नमस्ते, मैं तुंगतुंग ग्यादी, मैं आपका संवाददाता। आज अरुणाचल मिरर टीम को ये पता चला है कि सहिवसा CSC में एक जो हाथी दो आदमी को मारा गया तो उसको एडमिट किया गया है सहिवसा CSC में। तो चलिए जानते हैं, उसके साथ एक पर्सन भी थे जो मेल थे, जो वो इंसिडेंट के सामने में वक्त में साथ में थे, तो उनसे जानते हैं थोड़ा सा अपडेट क्या है, डिटेल ही जानते हैं। ओके, तो सर आपका नाम? मेरा नाम गुम सिंह टिची तरह है। तो सर ये बताइए, जैसे कि खबर मिल रहा है कि आप जो दो आदमी हाथी जो दो आदमी को मारे थे, जो फीमेल थे, वो आप कहाँ में मिला था और कैसा हालत में, तो आप कैसे लाए अपने? जब मैं अपना मतलब यह फार्म के टी से मतलब कुछ काम करके मतलब जैसे रिटर्न आ रहा था, तो जब आया तो देखा तो मतलब वो लोग बहुत ये एक ठानी में मतलब जहाँ में आपका घर वर नहीं है, मतलब आपका ये जंगली है, वहाँ अगारी ओरी भी आना जाना कम होता है। तो वहाँ में देखा तो तीन आदमी मतलब था, दो औरत था और एक लड़का था, स्कूटी में था शायद, तो लोग बहुत सीरियस कंडीशन में था, दो स्पेशली दो औरत जो। तो इनको मैंने पूछा तो ऐसे ऐसे हाथी से ऐसे मतलब अचानक से हाथी आके मतलब ठंडी में मिला था, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सीरियस था, तो एक औरत ज़्यादा सीरियस था, तो उसको हमने क्या किया कि मतलब अपना गाड़ी में उठा के या सीसो मेडिकल तक पहुंचा दिया था। जब इंसिडेंट के वक्त जो मेल साथ में थे उन लोगों के साथ में, तो वो एस्केप कर चुके थे वो जगह से, लेकिन अब सुनने में ये सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि उनको भी इंजरी है। जब हमने उनसे बात करने के लिए किया तो वो इतना हालत में नहीं थे कि बात करने लायक। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब COVID-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग COVID-19 संक्रमण के चपेट में आएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है। COVID-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से COVID-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है, और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना, और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा, इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।